अच्छा ठीक है, तो रुको जरा, अभी बता दे भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नहीं मतलब है क्या ये? है क्या यार, ये समझ नहीं आ रहा, हम पबजी खेल रहे हैं या पबजी वाले हमारे साथ खेल रहे हैं? जोन से बस 200 मीटर दूर, और साला नहीं उतरने दे रहा, नहीं बैठने दे रहा, घुसा दिया। समझ नहीं आ रहा भयंकर, कि बाइक चला रहा हो या एरोप्लेन। खत्म। चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे पबजी लाइट वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग? तो कैसे आ चुका है मैं एक और वीडियो लेके। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है भाई वीपीएन के ऊपर। बहुत सारे बंदे भाई कमेंट में यही पूछते भाई आपका वीपीएन कौन सा, जिससे भाई आपके गेम में अच्छी पिंग भी आती है और आपका गेम क्रेश भी नहीं होता। अब कुछ बंदे भाई मेरी पिंग को देख के ये भी बोलते भाई आप वाईफाई यूज करते हो, हमें झूठ बोलते हो कि आप सिम पे खेलते हो। तो भाई लोग सच सच बता रहा, भाई मैं विलेज में रहता हूँ, मेरे यहाँ मतलब मैं गाँव में रहता, मेरे यहाँ से भाई 30 किलोमीटर दूर पड़ा वाईफाई, तो भाई वाईफाई कैसे यूज करूँगा? आपकी तरह भाई मैं भी भाई एयरटेल और जियो की सिम यूज करता, कभी भाई एयरटेल से खेल लेता, कभी भाई जियो से खेल लेता। तो भाई यही है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भाई एयरटेल मतलब भाई सिम के नेटवर्क पे खेलते हैं, तो तुम्हें पता भाई उनका पिंग थोड़ा हाई देखने को मिलता। बट गाइस मैं आपको कुछ ऐसे वीपीएन बताऊंगा जिससे भाई गेम में अच्छी पिंग भी देखने को मिलेगी एंड भाई आपका गेम भी कम क्रेश होगा। तो भाई लोग देखो, अगर गाइस आप अभी के टाइम में पबजी लाइट को खेलते हैं तो अपने पबजी लाइट में भाई एक प्रॉब्लम चल रही है जिसका नाम है भाई क्रेश प्रॉब्लम, और इसको ठीक करने के लिए हमें ऐसे भाई मतलब भाई बहुत सारे वीपीएन यूज करने पड़ेंगे जो गाइस आपको दिख रहे हैं। भाई बंदे इतने वीपीएन डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने भी डाउनलोड कर रखे हैं। बट गाइस देखो, आपको इतने वीपीएन यूज नहीं करने हैं तो गाइस मैं आपको 4-5 वीपीएन अच्छे वाले बता देता हूँ जिसको गाइस आप ट्राई करके देख लेना, और उससे भाई गेम में अच्छी पिंग भी देखने को मिलेगी। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाई गैलेक्सी वीपीएन की। ये गाइस पहले नंबर पे आता है क्योंकि इसमें इंडिया का सर्वर देखने को मिलता है, जिससे भाई आपको गेम में अच्छी पिंग भी देखने को मिलेगी एंड लोडिंग भी आपका भाई कम आएगा। मेरी आईडी में पहले भाई लोडिंग बहुत ज़्यादा आता था, बट भाई ये वाला वीपीएन यूज करने के बाद अभी कम आ रहा, तो गाइस आप ये वाला वीपीएन यूज कर सकते हो। और इसमें गाइस आपको सिंगापुर का सर्वर भी देखने को मिल जाएगा, वो भी गाइस आप यूज कर सकते हो अगर भाई क्रेश प्रॉब्लम को रोकना चाहते हो। तो गैस दूसरा वीपीएन भाई सिंगापुर वीपीएन है, जिसमें गैस आपको सिंगापुर का सर्वर यूज करके भाई कनेक्ट करके भाई गेम को चला लेना, इससे भाई गेम में कम क्रेश होता। अगर आपका लोडिंग नहीं होता तो भाई ये वाला वीपीएन यूज कर लेना, भाई बहुत ही अच्छा वीपीएन है भाई, गेम मतलब भाई बहुत ही कम क्रेश होता। जब से गैस वो 116 MB का अपडेट आया ना, तब से गैस मेरा सिंगापुर वीपीएन ही बेस्ट चल रहा है। बट गैस मैं अच्छी पिंग के लिए भाई गैलेक्सी वीपीएन यूज करता। और देखो गैस आपको तीसरा वीपीएन बता देता हूं, तो भाई तीसरा वीपीएन है आईटॉप वीपीएन, जो गैस आप देख सकते हो इसमें भी भाई अच्छी पिंग देखने को मिल जाती और गाइस एक अच्छा वीपीएन भी। और चौथा वीपीएन आपको बता देता भाई 5G ग्लोबल वीपीएन सिंगापुर, ये भी गाइस एक अच्छा वीपीएन है। ये भाई मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई इसमें अच्छी पिंग भी देखने को मिलती है एंड भाई गेम भी कम क्रेश होता। तो भाई लोग ये 4-5 वीपीएन है जो भाई बेस्ट वीपीएन, सिंगा सुपर वीपीएन, ये भी कुछ वीपीएन है, तो भाई इन सबको आप ट्राई करके देख सकते हो। आपका फेवरेट वीपीएन कौन सा मुझे गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले लेके आ चुका, और इस वाले गेम प्ले को लास्ट तक इसलिए देख के जाना, पूरे भाई 23 स्केल का गेम प्ले है तो लास्ट तक देखना तो बनता। अब मैं खेल रहा था भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड, और आज का गेम प्ले ना भाई गोल्डन वुड का, भाई बहुत मतलब भाई साल हो गए भाई मैंने गोल्डन वुड का भाई बड़ा गेम प्ले नहीं डाला, तो भाई आज देखना भाई क्या है बंदों को निपटाया।
और यहाँ पर भाई लग्जरी हाउस में भाई ये दो ही रियल बंदे आते जिनके भाई मैंने पेटियां बना दी, तो वो निकलते भाई बंदों को ढूंढने, तो भाई यहाँ से जाहिर होता तो बोट मिल जाता मुझे। अब चलो भाई यहाँ पे बंदे तो हो चुके खत्म, ना रियल बच रहे ना ही बोर्ड बच रहे। अब गाइस मेरे को गाड़ी उठानी पड़ेगी, जो गाइस मैं गाड़ी उठाने के लिए भाई इधर की तरफ आ जाता और मेरे को बग्गी मिल जाती है। अब मैं बंदों को ढूंढने निकला था, सामने एक तरफ एक बोर्ड भी दिख जाता और रियल बंदे भी अभी दिखने वाले, तुम रुको जरा। अब मैंने भाई इस वाले बोर्ड की तो पेटी बना दी, बट भाई मेरे सामने की तरफ एक बंदा दिख जाता और इसकी भाई पूरी की पूरी टीम होती है उधर की तरफ, तो बस देखो कैसे निपटाता इन्हें एंड एंजॉय करो। और चलो भाई इस वाली टीम के तीन बंदों को तो निपटा दिया, इनका भाई लास्ट टीममेट बच रहा होता जो गाइस वो इधर की तरफ नहीं होता, जिस बंदे को भाई मैंने पहाड़ी की तरफ नोक दिया होता शायद उधर की तरफ हो सकता, तो भाई जल्दी से बग्गी उठा के मैं उसी बंदे को ढूंढने के लिए इधर की तरफ आ जाता और वाला बंदा भाई सामने वाले घरों में मुझे मिल भी जाता, तो बस देखो। और इसी के साथ भाई ये वाली टीम हो जाती है खत्म, तो भाई सामने की तरफ एक बोर्ड दिख जाता तो इससे निपटा लेता हूँ। और भाई मैं आपको सच बताऊँ ना भाई गोल्डन रोड में मज़ा आता भाई खेलने में, क्योंकि इसमें जो स्प्रे जाता है ना भाई एकदम भाई खतरनाक स्प्रे पड़ता भाई बंदे को, भाई दूर दूर तक आप किसी भी बंदे को निपटा सकते हो। और इसमें भाई आपका गेम भी कम क्रेश होगा, मतलब आप अच्छे से भाई गेम को खेल सकते हो और अपने मिशन कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई जल्दी से बग्गी उठा के मैं निकला था और बंदों को ढूंढने, और आता मिलिट्री स्कूल की तरफ, यहाँ पर भी बोट मिलते हैं तो इन्हें निपटा लेता हूँ मैं। और चलो भाई इधर तो रियल बंदे नहीं होते, तो भाई इन वाले बोटों की पेटियां तो बनाती, तो भाई जल्दी से मैं उठाता बग्गी निकल जाता और बंदों को ढूंढने, और मैं फिर से आता भाई लक्ष्य हाउस की तरफ, यहाँ पे मुझे एक रियल बंदा दिख जाता और मेरे साथ देखो भाई लोडिंग आता थोड़ा बहुत बीच बीच में, तो इसे निपटा लेता हूँ मैं। और चलो भाई इसके भी पेटी बना दी। अब मेरे यहाँ पे भाई गन में एमो खत्म हो चुकी थी, तो भाई जल्दी से इसके पेटी में से लूट उठा लेता, जो भी मिलता भाई सब कुछ उठा के मैं उठाता यहाँ से बग्गी और निकल जाता बंदों को ढूंढने। फिर से भाई मैं मिलिट्री स्कूल की तरफ आता, मैंने सोचा यहाँ पे बंदे आ चुके होंगे, बट यहाँ पे बंदे नहीं मिलते मुझे, बोट मिल जाते, तो भाई इन्हें निपटा लेता। और यहाँ पर कैसे भाई गलत मत समझना भाई, दूसरे बोर्ड पे एकदम से एम चला गया, तो भाई ऐसा नहीं था, वो भाई मेरा लोडिंग आ गया होता तो भाई उधर की तरफ एम चला गया, तो मैंने सोचा इसी को भाई फिनिश कर लेता। अब मैं बग्गी उठा के भाई इधर की तरफ आता, मैंने भाई यहाँ पे फायर साउंड सुना था, कोई बोर्ड भी हो सकता है, कोई रियल बंदा भी मिल सकता, तो भाई मैं इधर की तरफ आता तो मेरी भाई गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता, तो भाई इधर की तरफ रोक लेता और बंदा मिल जाता मुझे, तो बस देखो। और ये बंदा भाई रियल बंदा होता भाई, जीमेल से लॉगिन कर रखा बंदे ने, तो भाई इसकी तो पेटी बना दी, तो भाई जल्दी से इसके पेट में से थोड़ी सी एमो उठा लेता, मैं यहाँ से निकल रहा होता तो भाई सामने की तरफ बोर्ड दिख जाता। और देख लिया ना भाई स्प्रे तो है, तो भाई यहाँ से भागा भागा मैं जा रहा था, तो भाई आपको मैं वीपीएन बता देता हूँ, तो भाई देख लो भाई गैलेक्सी वीपीएन है, इसमें कैसे आप इंडिया का सर्वर यूज करके खेल सकते हो अगर आपका लोडिंग होता तो, और अगर आपका भाई गेम क्रेश भी हो सकता है इसमें रात के टाइम में, तो भाई दिन के टाइम में कम क्रेश होता, तो भाई मैं भागा भागा इधर की तरफ आ जाता, यहाँ पे एक प्रो प्लेयर मिल जाता और भी बंदे मिल जाते, तो बस देखो। और भाई यहाँ पे क्या ही बंदों को निपटाया भाई, इस वाले फाइल वाले बंदे भाई सामने वाले बंदे को क्या ही नोक दिया और मैंने भाई किल चुरा लिया, तो भाई जल्दी से मेरे को जोन की तरफ भी जाना होता और जोन बन चुका था भाई ब्रिज की तरफ, तो भाई देखो मैं कैसे चिकन डिनर निकालता, तो बस इंजॉय करो।
और इसी के साथ मिल जाता भाई 23 किल के साथ चिकन डिनर। तो गाइस यही था आज के गेम प्ले, पसंद आए तो भाई लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नई गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।